नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल SJ Traders में। आइए देखते हैं आज बैंक निफ्टी ने क्या किया। दोस्तों, मैंने कल आपको बोला था कि अगर बैंक निफ्टी आज कहां पे ओपन हुआ, बैंक निफ्टी वन डे के अंदर में हम चार्ट में देख लेते हैं। आज का ओपनिंग हुआ 36,989 के पास, ओके, और उसने आज लो मारा 36,650 और उसका हाई है आज का 38,230। 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको कल लेवल दिए थे 10, 9, 15। ओके, मैंने आपको कल बोला था कि बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन हो सकता है, तो आज उसने गैप अप ओपन किया 37,028 पे। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर ये 37 के ऊपर 10-15 मिनट टिक जाता है तो वो ऊपर जा सकता है, लेकिन उसने क्या किया, हम 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं। उसने एक ही कैंडल उसका ऊपर ग्रीन बना और उसके बाद बेरिश कैंडल बना। मैंने आपको बोला था कि बेरिश कैंडल बनेगा तो उस बेरिश कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप पुट बाई कर सकते हो। ये कैंडल देखते हो आप, ये कैंडल बेरिश कैंडल है और यहाँ से बैंक निफ्टी गिरा नीचे। कहाँ तक गिरा, इसका लो है अपना 36,667 पे। तो अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे 300 पॉइंट का मूवमेंट नीचे डाउन के साइड में आया फ्रेंड्स। अगर किसी ने फुट बाई किया होगा 37 का तो उसको कम से कम 150 से 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया होगा। और बाद में मैंने आपको बोला था कि 37 अगर ब्रेक करता है और उसके ऊपर 10-15 मिनट ट्रेड करेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा ऊपर की साइड में 37,250 और दूसरा टारगेट आएगा उसका 37,400। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे फ्रेंड्स कि उसने आज का हाई मारा 38,230 के आसपास उसका हाई मारा। तो मैंने जो आपको लेवल दिए थे बैंक निफ्टी के, वो दोनों अचीव हो गए। चलिए देखते हैं अब कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। इससे पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ आज अभी। ये 5 मिनट का चार्ट है फ्रेंड्स, वन डे के चार्ट में चेक करते हैं एक बार। अगर वन डे के चार्ट में आप देखोगे तो आज की कैंडल जो बनी है वो बुलिश कैंडल बनी है फ्रेंड्स। अगर ये आज के हाई को ब्रेक करेगा, 38,230 है तो 38,250 क्रॉस करेगा तो ये जो गैप भरा हुआ है ये गैप फिल करने के लिए ऊपर आ सकता है और उसका टारगेट आएगा पहला हमारा 38,400 के आसपास आएगा। ओके, 5 मिनट के कैंडल में आते हैं हम फिर से। मैं आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 38,000 मार्क करते हैं, 38,250 निकलता है तो उसका पहला टारगेट आएगा हमारा, ये गैप फिल करने के लिए आएगा वो 38,400 और दूसरा टारगेट आएगा उसका अपसाइड में 38,500 और तीसरा टारगेट आएगा उसका 38,600। और अगर डाउन की साइड में ये लेवल ब्रेक करता है 38,050 तो उसका पहला टारगेट आ सकता है उसका फ्रेंड्स यहाँ पे 37,950। अगर उसका भी ब्रेक करेगा तो उसका दूसरा टारगेट डाउन की साइड में आएगा 37,850। हमारा फ्लैट जोन रहेगा कल फ्रेंड्स ये वाला। अगर इसी जोन में ओपन होके ऊपर या डाउन, अप या डाउन जाएगा तो ये टारगेट आ सकता है कल बैंक निफ्टी में। वैसे मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ भी चल रही है तो उस न्यूज़ पे भी आपको वॉच रखना पड़ेगा। न्यूज़ के हिसाब से अभी मार्केट चल रहा है फ्रेंड्स। ओके, और अभी कोई ट्रेंड लाइन तो नहीं जा रही है, देख लेते हैं वन डे के चैनल में, देखते हैं कोई ट्रेंड लाइन बन रही है या नहीं बन रही है। यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन रही वन डे के। ओके, 50 मिनट के चार्ट में देखते हैं हम। फिफ्टी मिनट में भी नहीं है। ओके,
चलिए देखते हैं निपिन आज क्या किया। फ्रेंड्स निपिन भी आज 5 मिनट की चार्ट में देखते हैं हम निपिन ने आज ओपनिंग कहाँ पे दिया। उसका ओपनिंग हुआ ये गैप ओपन उसने किया 9:15 को दिख रहा है फ्रेंड्स 16,936 पे उसका ओपनिंग हुआ। और मैंने आपको बोला था कि 70,000 के ऊपर निकलेगा और 5-10 मिनट ट्रेड करेगा तो ये ऊपर जा सकता है। लेकिन उसने क्या किया, जैसे बैंक निफ्टी ने सेकंड 5 मिनट के अंदर में बेरिश कैंडल बनाया, वैसे ही निफ्टी ने बेरिश कैंडल बनाया और इसी बेरिश कैंडल का हाई का आप स्टॉप लॉस लगा के पुट बाय किया होगा तो आपको टारगेट कितना मिला होगा 16,838 के पास। ओके तो यहाँ पर भी आपने प्रॉफिट बुक किया होगा, यहाँ से लेके हम चेक करते हैं 16,950 से लेके नीचे गिरा 16,850 यानी 100 पॉइंट का मूवमेंट नीचे मिला फ्रेंड्स। और मैंने ये बोला था कि अगर 60,965 या फिर 70,000 के ऊपर 5-10 मिनट रेट करेगा तो हमारा पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 70,050 और दूसरा टारगेट मैंने दिया था 70,100। आप चेक कर सकते हो फ्रेंड्स ग्राफ में कि इसने 11:15 पे इस हाई को ब्रेक किया, 16,950 को ब्रेक किया और वहाँ पे ये दो कैंडल क्लोज हुई और वहाँ से बुलिश बन के सीधा नॉनस्टॉप कहाँ तक गया, नॉनस्टॉप गया 70,350 प्लस गया फ्रेंड्स। यानी आज मार्केट बहुत बुलिश रहा, जितना गिरावट कल आई थी उतनी ही इतना ही तेज़ी आज आ गई और उसने ये गैप भी फिल कर दिया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या होता है आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है। ओके तो इस ट्रेंड लाइन का उसको रजिस्टर मिल सकता है कल। इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये पूरे लेवल आज के निकाल लेता हूँ मैं। अभी हम नया लेवल हम यहाँ पे डालते हैं। आज की कैंडल भी 1 डे की उसकी बुलिश कैंडल बनी है। अगर टुमारो इस आज के हाई को ब्रेक करेगा यानी कितना हाई है 70,375, अगर 70,400 के ऊपर 5-10 मिनट टिक गया तो उसका पहला टारगेट आएगा अपसाइड में, उसको ये ब्रेक करना पड़ेगा। कौन सा लेवल रहेगा हमारा 70,450। अगर कल 70,450 बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वेट अगर कल 400 ओके चलो 400 पकड़ते हैं हम। अगर कल निफ्टी 70,400 ब्रेक करेगा और उसके ऊपर 5-10 मिनट कंटिन्यू रहेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा फ्रेंड्स 70,450 और दूसरा टारगेट आएगा 70,550। ये फ्रेंड्स गैप फिल करने के लिए ऊपर आ सकता है। कौन सा टारगेट आएगा ऊपर की साइड में 70,580। और डाउन की साइड में हम चेक करते हैं, अगर डाउन की साइड में देखते हैं 15 मिनट में तो 70,980 ब्रेक करेगा डाउन के साइड में तो उसका पहला टारगेट डाउन के साइड में आ सकता है फ्रेंड्स 70,220। दूसरा टारगेट आ सकता है डाउन के साइड में 160 और तीसरा टारगेट भी आ सकता है डाउन के साइड में। चेक करेंगे तो हम 70,100 पकड़ लेते हैं। ओके और हमारा फ्लैट जोन कौन सा रहेगा, हमारा फ्लैट जोन रहेगा फ्रेंड्स ये वाला, यहाँ पे ओपन होता है ये लेवल ब्रेक करेगा तो हमारा ये टारगेट आ सकता है, उसको मैं मार्क कर लेता हूँ। चलो प्राइस एक्शन रहेगा हमारा 70,300, ये गलत आ गया, प्राइस लेवल हमारा ये है 70,400 ऊपर की साइड में, पहला टारगेट 70,450, दूसरा टारगेट रहेगा ऊपर की साइड में 70,580, डाउन की साइड में हमारा ये लेवल ब्रेक करेगा 70,280 तो फर्स्ट टारगेट डाउन की साइड में आएगा उसका 70,220, सेकंड टारगेट आएगा हमारा डाउन की साइड में 70,160
और थर्ड टारगेट मैं दे रहा हूँ आपको 70,100, ये निफ्टी का लेवल मैंने आपको दिया। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये वीडियो मैं एजुकेशन पर्पज से ही बनाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और किसी को डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इससे आप न्यू डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।